नमस्ते, प्रणाम सभी के। और जितना भी हमके सुने वाला और चाहे वाला हमार श्रोता बंधु बानी, आप सबके ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इंस्टाग्राम रील्स पे हमार नया गाना फरकवा खरोच दिला ए जीजा, होली के सॉन्ग बाद जरा जरूर सभी ट्रेंडिंग में ला दिले बानी। और अभी बस 2-4 घंटा पहले वो गाना रील्स के ट्रेंडिंग में आ गई बा, तो एकरा खातिर तो आप सबके कोटि कोटि धन्यवाद और यही तरह प्यार आशीर्वाद बनाई। राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आपन खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देतानी और दही जा। और दोनों होली गाना रिलीज हो गई बा और खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दुलार की जरूरत बा आप सबके, कहें से कि आप सबके प्यार और सब कुछ ही सब कुछ बा हमनी के जीवन में। वैसे लाइव आवे के एगो छोटा सा विशेष बात रहे जो चलते हमारा लाइव आवे के पड़ल है काल, जैसे कि रउरा सबके आज दिन भर वायरल भेल बा तो पते बा, काल एगो बहुत ही अच्छा हमनी के मित्र बानी बड़े भैया पंकज राय जी, जे कि पेशे से सीए बानी, वहाँ के जन्मदिन रहे। और काल जन्मदिन के मौका पे एक दूसरे से मुलाकात भइल। हमारे भाई खेसारी लाल यादव जी कल मिले हमको और हम दोनों ने थोड़ा मस्ती मजाक किया और बर्थडे सेलिब्रेट किया भैया का। अब भैया का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, मस्ती मजाक हो गया, थोड़ा सा हम लोग डांस वांस कर लिए। अब सुबह से इतना प्रकार का दुनिया भर का मैसेज, तो जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं उन सबको मैं एक बात बता दूं, मैं एक कलाकार हूं और खेसारी लाल जी भी एक कलाकार हैं। वो पर्सनल जीवन में क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो जब भी मिलेंगे वो हमको सम्मान देते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। तो जब हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस बात को लेके गलत सलत मैसेज करना, गलत सलत अरे बंद करो, गलत सलत मैसेज करना, गलत टाइप का बात करना और ये ग्रुप वो ग्रुप, तो हमको इन सब ग्रुपों से कोई मतलब नहीं होता है भाई, एक बात मैं बता दूं। और अगर आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव जी से या खेसारी लाल यादव से मिलना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको परेशानी हो रही है खेसारी लाल के साथ मेरे मिलने से, तो हम एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे। मैं ये लाइव में इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आप जितने भी लोग ग्रुप बाजी और सुरुख बाजी में आके ना मैसेज कर रहे हैं ना हमको पर्सनली, तो हमको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। और मेरे विषय में एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं एक बहुत अलग टाइप का कलाकार हूं, ठीक है ना। तो खेसारी लाल यादव जी से हम काहे मिल लिए, हम उनके साथ डांस काहे कर लिए, हमारा कोई भगवान नहीं है। हमारा भगवान बस 3 ही लोग है, माँ बाप जिसने जन्म दिया, एक जो ऊपर ईश्वर बैठे हैं जिन्होंने सब कुछ दिया है, और उसके बाद हमारे जो श्रोता बंधु जो हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। हमारा दाल रोटी किसी के भी किसी के आशीर्वाद से और किसी के वो फील्डिंग करने से मेरा नहीं चलता है। मेरा दाल रोटी चलता है मेरे करोड़ों जो श्रोता हैं, वही भगवान है, उन्हीं का आशीर्वाद है, ठीक है। अब हम किस कलाकार से मिलेंगे किस कलाकार से नहीं मिलेंगे ये बात कोई ग्रुप तय करेगा, तो ऐसे ग्रुप को अपनी ग्रुप बाजी मुबारक, हमको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और क्या गलत है भाई, आपको क्या रोज इंटरटेनमेंट चाहिए? एक दूसरे को मतलब गाली देंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा और अगर सम्मान कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं किसी पार्टी में खेसारी लाल यादव से मिल ही लिया, अगर उनके साथ डांस कर ही दिया, थोड़ा मस्ती कर ही लिया, तो क्या गलत कर दिया? इसमें कौन सी ग्रुप बाजी? और मुझे ना ये खेमा वो खेमा खेमा, ये कोई खेमा मुझे कुछ नहीं देता है, ये खेमा वोमा, ये सब ना अपने मजे लेने के लिए होता है। हम दूसरे क्लास के कलाकार हैं, एक बात आपको बता दे रहा, हमको अगर आपको लग रहा है ना कि हमको मैसेज भेज के हमको ग्रुप बाजी सिखाएंगे, तो हम यहाँ ग्रुप बाजी करने नहीं आए हैं,
और हम किसी ग्रुप स्वरूप में नहीं रहते हैं, एक बात बता दे रहा हूं। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, जो भी मुझे पर्सनली जो भी चीजें आप लोग मैसेज जो भी कर रहे हैं, तो फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं एक बार नहीं, हजार बार मिलूंगा खेसारी लाल से, ठीक है। ये सब ना कि उनसे आप क्यों मिले, उनसे क्यों मिले, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और रही बात ना, तो हम मिलते हैं तो हमने, देख लीजिएगा आप जाके बढ़िया से वीडियो, हमने कोई अपना होली का गाना नहीं बजाया है, हम कोई अपने गाने का प्रमोशन नहीं किए हैं बजा के, क्योंकि उस मुलाकात में ना, वो मिलना ना एक एक टुगेदर परिवार की तरह मिले हैं, एक रिस्पेक्ट है उसमें। बहुत अच्छा बात शशि शंकर कुमार जी लिखे हैं, हमको ना, हमको बतरस नहीं करना है किसी पे, हम यहां बतरस करने नहीं बैठे हैं, हम कलाकार हैं, हम कहीं किसी बर्थडे पार्टी में मिल गए तो एक दूसरे के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, करेंगे ना, क्या कर दिए भाई, डांस कर दिए, तो इतना कौन सा प्रॉब्लम हो गया, कौन सा तबाही हो गया। और ये सब दिमाग में मत रखिए, देखिए गाना चलना और ना चलना, और रही बात गाने गीत संगीत की, और रही बात बड़े छोटे की, तो बड़ा छोटा ना कोई नहीं होता है, समय बड़ा छोटा होता है, ठीक है, समय छोटा बड़ा होता है। भोजपुरी में ना ये ग्रुपबाजी के बाद भी ना 50 ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे गाने रिलीज करते हैं, रोज बहुत अच्छे गाने आते हैं, लेकिन भोजपुरी श्रोता की और भोजपुरी सुनवाइया की एक विनम्रता है कि वो लोग एक ही जगह बस गिरे हुए हैं, कि नहीं यही जो आएगा वो बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा भोजपुरी जगत में समझदारी घुस गई ना, और जिस दिन गीत को प्राथमिकता देने लगे ना लोग, उस दिन से पूरा हवा चेंज हो जाएगा। और आपको जो ग्रुपबाजी का शौक है ना, तो आप जाइए राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, चले जाइए और जाके दोनों होली गाना सुन लीजिएगा, किसी से कम नहीं है, हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बार बार आप बोल रहे हैं ना कि संगीत संगीत संगीत, हमारा इशारा आप समझ ही रहे होंगे, तो किसी से कम नहीं है गाना, जाके गाना सुनिए, चाहे होली में भाग जाग जाए दा गाना हो, और चाहे फरकवा खरोज दे ले जीजा, इससे कुछ ज्यादा नहीं सोचते हैं लोग। तो इसलिए मेरे भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इन सब में बिल्कुल मतलब पेटिए आप लोग, ना पर्सनली मैसेज करिए, ना हमको किसी चीज से लेना देना है, हमको जो भी मिलेगा जहां भी मिलेगा हम उसका मान सम्मान करेंगे ही, हमको नहीं पता है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उनका अपना पर्सनल लाइफ है, ठीक ना। खेसारी लाल जी का पर्सनल लाइफ है, और खेसारी लाल जी अगर हमको इज्जत देते हैं तो हम उनको इज्जत नहीं देंगे, और वो तो पंकज भैया का बर्थडे पार्टी था तो हम लोग थोड़ा एंजॉय किए, ठीक है। आपको जिसको 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 हर व्यक्ति का अपना वो है, जिस ग्रुप को जिनको खुश रखना है आप सबको खुश रखिए, बट उनके खुश रखने में आप पूरे भोजपुरी समाज और पूरे भोजपुरी सिंगर इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं हो गए, आप कोई भी हो, आपके खण में नहीं चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार आपके खण में नहीं बसे हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं बसा हूं, और लोग भरे सरेंडर हो गए होंगे, और लोग भरे नतमस्तक हो गए, हम नहीं है नतमस्तक, हम किसी के अंडर में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोई भाग्य नहीं लिखेगा, भाग्य ऊपर से लिखा गया है, और उससे बड़ा शक्ति नहीं है दुनिया में। जिस दिन उसका नजर घुमा ना, सारा जितना ईगो में बैठे हैं ना ग्रुप बना के, ग्रुपबाजी सारा ग्रुपबाजी रखे के रखे रह जाएगा। और मैं खुद को नहीं बोल रहा हूं, भोजपुरी में 20 वो ऐसे गायक हैं जो लाइन में जो कंटिन्यू गाना लाते हैं और गाना गाते हैं, वो सब अच्छे गाते हैं, सब में कोई ना कोई बात है,
सब में एक बात है, सब अच्छा गाते हैं। प्रॉब्लम यही है कि इसी इसी में भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद है, ये ग्रुपबाजी में। भोजपुरी को कोई दूसरा नहीं, तो जितना हो रहा है ना आज भोजपुरी भाषा और भोजपुरी इंडस्ट्री जितनी बड़ी होनी, जितनी बड़ी हो रही है, लेकिन इसका जो पूरा सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया का तो काम है मजे लेना, लेकिन यही सब ग्रुपबाजी के कारण सब बाउंडर मचा हुआ है। इस ग्रुपबाजी के कारण अच्छे अच्छे गाने नहीं चलते हैं। तो प्लीज मेरे भाई, हमको हमको ना देखो, हम इसलिए बोले ये बात लाइव में आके, हमको बिल्कुल मन नहीं था ये बात रखने का, लेकिन हम इसलिए रख दिए कि हम किसी के अंडर में नहीं है, और ये भरम अपने दिमाग से हटा दो। ठीक ना, और रही बात जो बार बार आ रहा है ना मैसेज कि ब्राह्मण उपरम, तो ब्राह्मण वो तो हमको सम्मान करते हैं खेसारी लाल, जब भी मिले हैं ना तो वो एक रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एक तरीका होता है। मुझे भी पता है कि मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होने का मतलब कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सब सबके साथ मुझे मिलना जुलना है। तो इसलिए हम बस इतना ही बोलेंगे कि बात को समझिए, हमको मत छेड़िए, और किसी का ना किसी का कोई भाग्य नहीं लिखता है भाई। जिनके लिए आप ग्रुप बनाए ना, उनका भी भाग्य ये करोड़ों सुनने वाले दर्शक ही लिखे हैं। ये जिस दिन अपने पे आ जाए ना, ये जिस दिन क्वालिटी सुनना शुरू कर दे और भोजपुरी गाने में गाना सुनना शुरू कर दे, फिर देखिए क्या होता है। दस दस गो लेबलिंग सुपरस्टार पैदा रहेंगे इस इंडस्ट्री में। राजेश यादव भाई, हम अपना काम करते हैं, हमको ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन हम कभी कभी वही बात बोलते हैं जो बात बोलना चाहिए। हम मेरा एक आदत है कि हम अपना मिजाज में अपना काम करते हैं। गाना को चलना है चलेगा, नहीं चलना है नहीं चलेगा, उसे क्या हो गया। कलाकार का काम है अपना काम करना, अपना 100% हमको देना है। ठीक है, हम एक दिन में नहीं लगा रहे 20 मिलियन का, तो हम भी लगाते हैं, फेंक दे पैसा, सबको पता है कि कहां से आ रहा है मिलियन, किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है, कौन नहीं जानता है। पेट में के बच्चे को पता है कि भोजपुरी गाने का कहां से एक दिन में इतना इतना आ रहा है, सबको पता है, और उसी पे आप मार ईगो एकदम बनाए हुए है कि पता नहीं गर्दा उड़ा देंगे, का दू कर देंगे, तो इनसे मत मिलिए, तो उनसे मत मिलिए। आपके अंडर में और कलाकार रहते होंगे, हम किसी के अंडर के लिए नहीं बने हैं। ठीक ना, और कोई भी व्यक्ति अगर इस घमंड में रहता है कि हमारे बाद दुनिया नहीं चलेगी, तो दुनिया कभी रुकती नहीं है। तो हमको बिल्कुल ये सब चीजों से मतलब नहीं है भाई। हमारे लिए सभी रिस्पेक्टेड हैं, सबका सम्मान करते हैं, और हम जहां जिससे मिलेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। हम यहां कोई वो करने नहीं आए, पार्टी बनाने नहीं आए हैं, तो हमको पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना है। हमको पता है कि इस लाइव में, हम लाइव में ये बात बोल रहे हैं, तो 10-20 चमचे 50 होते हैं उल्टा सीधा अपना मैसेज करेंगे, उस समय कोई नजर नहीं है, और जिसको देखना है वो देख रहा है। ये जो भी है सब कुछ, ये जो सुनने वाले श्रोता है यही है, इनका ही आशीर्वाद सब पे पड़ता है। विकास मिश्रा भाई थैंक यू। भगवान शर्मा जी वही बात बोल रहे हैं कि ये क्या, मैंने हम राजनीति करने आए नहीं, हमको क्या लेना देना है ग्रुपबाजी से, राजनीति से, इनसे मत मिलिए, उनसे मत मिलिए, उनको खुश रखिए, हम काहे किसी को खुश, हम खुश और दुख रखने आए हैं जी, हम भी काम करने आए हैं, जिस तरह सभी अपना कलाकारी कर रहे हैं, हम भी कलाकारी में अपना काम कर रहे हैं।
हमको अपने काम से काम है कि हम राजनीति करने आए हैं कि उनको खुश रखेंगे तो वो खुश होंगे, उनको दुखे, हम ये थोड़े करने आए हैं। हम अपने काम करने आए हैं, हमको काम करना है। ठीक है, काम काम आदमी करता है, बहुत सारे काम बहुत सफल होते हैं, बहुत सारे काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप काम निरंतर कर दिए, आपका काम है काम करना। थैंक यू रजित भाई, बिल्कुल संतराज जी बेतिया में जरूर आएंगे। रविंदर यादव भाई, अविनाश कुमार थैंक यू, चंद्रेश कुमार थैंक यू ब्रदर, दीपक मिश्रा जी जय हरि विष्णु, रविंदर यादव जी, शिवम कुमार, पप्पू कुमार राम, अमलेश कुमार जी थैंक यू ब्रदर, नीतीश कुमार ब्राह्मण, अक्षय गोस्वामी थैंक यू ब्रो, विद्या सागर मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पार्टी पार्टीशन से मतलब ही नहीं है, काम करना है यार। राजेश मिश्रा थैंक यू ब्रदर, शिव कुमार यादव लव यू भाई, लाल मोहित अंसारी, विकास क्रिकेट, प्रिंस यादव, अरविंद सोनी, ब्राह्मण राजा मिश्रा थैंक यू भाई, जितेंद्र कुमार जी हमारे राकेश जी नाम है, ध्यान दे दीजिए, राजेश यादव, अवधेश शाह, इसरो प्रेजेंट, सचिन सिंगर, प्रिंस यादव भाई पक्का, विकास राम, क्षत्रिय सम्राट, रविंद्र, रविराज, उपेंद्र यादव भाई, सीमा यादव जी, चलिए तो आप सबको ढेर सारा दिल से लव यू और बहुत बहुत धन्यवाद कि फरकवा खरोज दिल ये जीजा होली का जो सॉन्ग है उसको इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पे ला दिए हैं। और प्लीज़ भाई मुझे बस हमेशा आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग के अलावा मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा होती नहीं है, बस आप लोग जहाँ रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए, और जब दिल से थोड़ा बहुत समय मिले खुद से तो राकेश मिश्रा ऑफिशियल पे जाके होली गाना सुन लीजिए, अच्छा लगे तो थोड़ा उसको प्रमोशन कर दीजिए, और हमेशा माँ वैष्णो देवी की कृपा सब पे पड़ा रहे। जय हो।